हाइट एंड डिस्टेंस प्लस 5 ठीक है, बराबर ऊंचाई के दो खंभे बराबर ऊंचाई के दो खंभे, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हों, सड़क के किसी एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण, उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की मीटर में ऊंचाई ऊंचाई क्या है? सॉल्यूशन, ये रोड का चौड़ाई हो गया एक खंभा और दूसरा खंभा। रोड के किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसका शिखर का उन्नयन कोण 31 डिग्री, 30 डिग्री दूसरे का 60 डिग्री। क्वेश्चन आपका पहले भी डाटा बताया गया था कि नोट 30 डिग्री में लंब अनुपात, आधार अनुपात, कर्ण 1:√3:2 होता है, और 60 डिग्री में 3:1:2। तो याद रखना पड़ेगा 30 डिग्री में लंब कितना 1:1:2 में, आधार कितना 3:1:2 में, 60 डिग्री में 3:1:1 यानी लंब 3:1:1, 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 लंब बटा आधार, 60 डिग्री बराबर 3/1। लंब को बराबर करने के लिए 30 डिग्री को 3 से गुना और बटा 3 से भागा, 3 गुना 1/√3 बराबर 3 और आधार 3 गुना 3 यानी 3। ओके, क्योंकि खंभा की ऊंचाई दोनों समान है तो ऊंचाई के समान करने के लिए 1:√3 से गुना किए, 3 बराबर 3 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की
पहुंच जाए रूट थ्री, और रोड के चौड़ाई, रोड की चौड़ाई बी से ई तक 3 मीटर, यहाँ से बी से ई तक 3 मीटर हो गया, और ई से डी तक 60 डिग्री में आधार 1 मीटर है, तो ई से डी तक 1 मीटर, यानी कि रोड की चौड़ाई बी डी बराबर बी ई प्लस ई डी बराबर बी से ई तक 3 मीटर प्लस ई से डी तक 1 मीटर बराबर 4 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 मीटर बराबर दिया हुआ है यहाँ रोड की चौड़ाई 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 बराबर 25 मीटर, खंभे की चौड़ाई ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर रूट थ्री बराबर 25 × √3 में 25√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर, एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। नदी के दोनों ओर किनारे पर स्थित दो पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए अभिनवन कौन क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई 400 मीटर, नदी की चौड़ाई 400 मीटर हो गया, ये दोनों छोर पर पेड़ है, पेड़ हो गया, अब नावन कौन
30 डिग्री 60 डिग्री नदी हो गया है, दोनों छोर पर पेड़ खड़ा है, इसका अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। साठ डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री में 1:√3 होता है, तो 1:√3, 60 डिग्री में 3:1 होता है, यानी 3:1। अब 30 डिग्री बराबर 1/√3, 60 डिग्री बराबर 3/1। लंब को बराबर करने के लिए 30 डिग्री में 3 से गुना 3 से भागा, तो 3/3 हो जाएगा, यानी कि लंब 3, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, और इसमें भी यहाँ से यहाँ 3, लंब दोनों का बराबर हो गया। पेड़ की लंबाई, आधार, आधार 30 डिग्री बराबर में आधार 3 मीटर हो गया, यानी इस बिंदु से यहाँ की चौड़ाई 3 मीटर, और इस बिंदु से यहाँ की चौड़ाई 1 मीटर, यानी कुल आधार या नदी की चौड़ाई 3 + 1 = 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 = दिया हुआ है ना, 400 मीटर, 1 = 100 मीटर, और ऊपर उड़ रहे जहाज़ की ऊंचाई निकालना है, जहाज़ की ऊंचाई बराबर 3, तो 100 × √3 मीटर, 3 के मान रखने पर 100 × 1.732 बराबर 1732, और दो जीरो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 1 2 3, यानी 173.2 मीटर ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से, क्वेश्चन 180 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से इसके दोनों और स्थित दो वस्तुओं के वस्तुओं की अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी। 180 मीटर ऊंची एक टावर हो गया, 180 मीटर की ऊंचाई पर इसके दोनों ओर स्थित दो वस्तुएं, दोनों ओर स्थित एक एक दो वस्तुएं मिल गया, और यहाँ से ए मिल गया, दो
वस्तुएं हैं, दोनों रिश्ते दो वस्तुएं हैं कि अब नामन कुन क्रमश 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब नामन कुन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री है तब इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 30 डिग्री में हो जाएगा तो लंब या धार, तो लंब ये हो जाएगा लंब या धार, यानी 30 डिग्री में रूट 3 अनुपात 1 में, ठीक। 45 डिग्री में 1 और 1 में लंब आधार 1 और 1 में, यानी लंब दोनों स्थिति में समान है, ठीक है। तो कुल वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 बराबर 180 मीटर, रूट 3 प्लस 1 बराबर 180 इंटू रूट 3 प्लस 1, मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभा तथा एक टावर जमीन पर खड़ा है, एक खंभा तथा एक टावर जमीन पर खड़ा है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, खंभे के शीर्ष से टावर के शीर्ष तथा पाद के उन्नयन कोण के उन्नयन कोण व अभिनवन अभिनवन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, सलूशन, एक खंभे तथा एक टावर जमीन पर खड़ा है, एक टावर और एक खंभा, खंभा हो गया टावर, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ये जमीन पर खड़ा है, टावर के शीर्ष से मतलब खंभे के शीर्ष से टावर के शीर्ष, ठीक है, खंभे के शीर्ष से टावर के पार, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका अभिनवन कोण 30 डिग्री, लंब आधार का अनुपात 30 डिग्री में 1:√3 का होता है, और 60 डिग्री में √3:1 का होता है, लंब आधार √3:1 का। साठ डिग्री इज इक्वल टू √3 बटा 1, 30 डिग्री बराबर 1/√3। यहाँ आधार दोनों के समान है, इसीलिए आधार को समान करने के लिए 60 डिग्री में √3 से गुना बटा √3 से भागा, √3 हो गया बटा √3। अब आधार दोनों के समान हो गया,
यहाँ से ऊपरी भाग की ऊंचाई 3 मीटर, निचली भाग की ऊंचाई 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 बराबर दिया हुआ 10 मीटर, 1 बराबर 10 मीटर, ये टोटल ऊंचाई हो जाएगा 3 और 1 4। टोटल टावर की ऊंचाई 4 मीटर, इसलिए 4 बराबर 40 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर, किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर एबी के शीर्ष पर, एबी के शीर्ष पर उसी तल में स्थित किसी बिंदु बिंदु पी से बनाया गया उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक दूसरे बिंदु एक दूसरे एक दूसरे बिंदु एक दूसरे बिंदु Q जो P से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, टावर के पाद के साथ जब स्थित है से टावर के पाद के साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई निकालें। सॉल्यूशन, यह समतल के में ऊर्ध्वाधर खड़े एक टावर ए बी कोई बिंदु पी से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। एक दूसरे बिंदु क्यू जो बिंदु पी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, बिंदु क्यू 10 मीटर की ऊंचाई पर है, टावर के पाद के साथ बनाया गया अवनमन कोण, टावर के पाद के साथ यानी पाद के साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री हो गया है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें यानी 60 डिग्री बराबर √3/1 यानी ये हो जाएगा √3/1, 30 डिग्री बराबर 1/√3, 30 डिग्री बराबर 1/√3 यानी कि यह रहेगा 1 यहाँ से यहाँ, अभी √3 यहाँ से यहाँ
एक और 30 डिग्री में रूट थे। पाथ दोनों स्थितियां बराबर है, इसलिए पाथ को बराबर करने के लिए, आधार को बराबर करने के लिए इसमें 60 में रूट थ्री से गुना रूट थ्री से भागा। रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री और रूट थ्री गुना एक बराबर रूट थ्री। अब 30 डिग्री में भी आधार बराबर और 60 डिग्री में भी आधार बराबर। इसकी ऊंचाई यहाँ से 3 मीटर और इसकी ऊंचाई 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, तो टावर की ऊंचाई 3 मीटर है, 3 बराबर 30 मीटर आंसर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल। कृपया स्टडी विल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।